नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करके राष्ट्रहित में ईरान के साथ चाबहार डील क्या की, चीन पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई। ईरान का चाबहार बंदरगाह जैसे भी भारत के नियंत्रण में आया, अमेरिका से हैरान करने वाले रिएक्शन आने लगे। दिल्ली में अमेरिका के राजदूत ने भारत की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी प्रवक्ता ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी दे दी। मजबूत भारत की स्वतंत्र नीति ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को इतना परेशान क्यों कर दिया है? आज द पीएम फैक्टर में इसी की पड़ताल करेंगे। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। जब हौसला फौलादी हो तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चुमने लग जाती है। भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है। दुनिया कह रही है, दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है। जब एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है। I never dreamed I'd have the honor and privilege of representing my country here in India. Chabahar port, as well as its own bilateral relationship with Iran, I will just say, as it relates to the United States, U.S. sanctions on Iran remain in place and we'll continue to enforce them. अमेरिका ने लाख मना किया, सैंक्शन लगाने की धमकी तक दी, लेकिन मोदी सरकार ने बिना अमेरिका के दबाव में आए वो किया जो इस वक्त देश के लिए जरूरी था। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की डील करके मोदी सरकार ने बता दिया कि अब नए भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना बंद कर दिया है। अब डील करते वक्त भारत सरकार के मंत्रियों के दिल में अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं, सिर्फ देश हित होता है। बिहार के सारण में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि मजबूत भारत की इसी स्वतंत्र नीति से आज दुनिया में देश की साख भी है और धाक भी है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। भारत की साख और धाक मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है, साख और धाक है कि नहीं है?
दुनिया भर में है कि नहीं है। भारत और ईरान के बीच ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है। ईरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL और पोर्ट्स एंड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान यानी PMO के बीच फाइनल डील डन हो गई। अब अगले 10 साल तक भारत ईरान के चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट संभालेगा। अगले 10 साल तक भारत को चाबहार के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल को अपनी मर्जी के मुताबिक ऑपरेट करने का अधिकार मिल गया है। ये पहली बार है जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह को संभालेगा। भारत और ईरान के बीच बंदरगाह को लेकर हुई ये डील चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। देश में आम चुनाव प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद भारत की शिपिंग और पोर्ट मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल ने ईरान जाकर चाबहार डील पक्की की। ये बताया है कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना जरूरी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत किए। चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान और मध्य एशिया समेत यूरेशियन क्षेत्र में भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। भारत की नेवल शक्ति बेतहाशा बढ़ जाएगी। इसलिए ईरान के साथ भारत सरकार के इस समझौते से चीन और पाकिस्तान का डरना स्वाभाविक है। लेकिन फिलहाल इस डील से सबसे ज्यादा अमेरिका परेशान है। ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर वन मानता है और अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन ईरान को दुनिया से अलग थलग करने के लिए अमेरिका चाहता है कि दुनिया का कोई और देश भी उससे किसी तरह का व्यापार न करे। अमेरिका के दबाव में आए बिना भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर समझौता किया तो अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भारत को चेतावनी देने की कोशिश की। States, US sanctions on Iran remain in place and will continue to enforce them. These reports that Iran and India have signed a deal concerning the Chabahar port, I will let the government of India speak to its own foreign policy goals vis-a-vis the Chabahar port as well as its own bilateral relationship with Iran. I will just say as it relates to the United States, US sanctions on Iran remain in place and will continue to enforce them. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार में शामिल होगा उन्हें संभावित जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए और उन पर हमेशा प्रतिबंध लगने का खतरा बना रहेगा। लेकिन दुनिया में भारत की धाक और साख की वजह से अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि भारत पर प्रतिबंध लगाए या तारीफ करे। अमेरिका की भी समझ में आ गया है कि 21वीं सदी भारत की है और इस सदी में भारत को बिना साथ लिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। 21वीं सदी में ये कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से जो सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम,
भारत को सस्ता तेल मिले, इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया। बीते कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अमेरिका के दबाव को दरकिनार करके फैसला लेने का सबूत दिया है। पिछले साल सितंबर में जब भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, तब भी भारत ने बिना दबाव में आए अपने दोस्त रूस का बचाव किया था। G20 के दौरान अमेरिका, इटली, जापान, ब्राजील समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर साथ थे, लेकिन घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन पा रही थी। वजह था रूस। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बाद से और अमेरिका के दबाव की वजह से कई देश रूस के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने G20 में रूस का नाम लिए बिना साझा घोषणा पत्र पर सहमति पाली।